Vitragai, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Siddhanam, Namo Ayarhiyanam, Namo Ayarhiyanam, Namo Vasayanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam, Namo Loe Savasahunam, Aiso Pancha Namukaro, Aiso Pancha Namukaro, Savva Pavapanasano, Savva Pavapanasano, Mangala Nancha Savvesim, Mangala Nancha Savvesim, Padamam Havai Mangalam, Padamam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jagat Bhar Ke Sant Purusho Ka Yogabal, Jagat Bhar Ke Sant Purusho Ka Yogabal, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, हम सब महात्माओं को, हम सब महात्माओं को, परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, 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 जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान असीम जय जयकार। तो ये पूछ रहे हैं कि दादा भगवान कौन थे? दादा भगवान वैसे ज्ञानी पुरुष हो गए। वो ज्ञानी पुरुष के अंदर जो आत्मा का जो प्रकाश खुला हुआ उसी का नाम है दादा भगवान, यानी उनका डेवलपमेंट। मूल आत्मा का नाम नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो जो जो व्यक्ति ने, तो ये नाम अपन ने दिया उनको दादा भगवान, जैसे बताया कि वो क्या नाम, मूलचंद भाई पटेल, एम पटेल, अम्बालाल मूलजी भाई पटेल, ये उनका सांसारिक नाम था, शारीरिक नाम था। अच्छा, दीक्षा के बाद उनका ये नाम। हाँ, जो ज्ञान उसको प्रकट हुआ तो लोग उनको दादा भगवान के नाम से पहचानते थे, कोई लोगों ने एक नाम दिया। हाँ, हाँ, एक पहचान के लिए। तो दादा भगवान कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या नहीं है? वो उनकी एक अनुभव दशा थी। और परमात्मा हमारे सबके अंदर है, वो एक ही है, क्या है? अलग अलग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दादा भगवान तो आपके अंदर भी वही है, दादा भगवान भी आपके अंदर वही है। आत्मा का ही नाम हो गया, आत्मा का एक नाम बस। तो वैसे नाम नहीं होता है, ये तो पहचानने का साधन। क्या बताया? जैसे हमारे कलयुग में क्या हो गया, नाम और भगवान दोनों शब्द अलग थे, क्या थे? मगर धीरे धीरे एक हो गया। क्या हो गया? नाम और शब्द। नाम और आत्मा दोनों अलग थे, मगर धीरे धीरे नाम और भगवान दोनों अलग थे मगर एक हो गए कलयुग के अंदर। जैसे महावीर और भगवान, ये दोनों एक हो गए। क्या हो गए? हम महावीर को भगवान मानते हैं, कृष्ण और भगवान एक हो गए, राम और भगवान क्या हो गए? दो अलग है मगर हो गए एक, अज्ञानता के बस। कैसे हो गए? जैसे ये महावीर है, अंदर भगवान है, जैसे ये राम है, अंदर भगवान है, जैसे ये कृष्ण है, अंदर भगवान है, मगर अज्ञानता के बाद, अज्ञानता के साथ दोनों क्या हो गए? तो फिर महावीर के आगे भगवान नहीं लगा है? तो महावीर बस ऐसे, महावीर को तीर्थंकर, महावीर को तीर्थंकर बोल सकते हैं, सोचते हैं कि वो मोक्ष में गए, वो मेरे को भगवान। मेरी बात सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। महावीर को तीर्थंकर बोल सकते हैं, भगवान नहीं। भगवान की मोक्ष होती है, तीर्थंकर का यहाँ अंत होता है।
तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, ये क्या है? और कर्म किसको लागू होता है? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को, बराबर है। तो तीर्थंकर गोत्र कर्म ये शरीर का टाइटल है, महावीर तीर्थंकर वो शरीर का टाइटल है और भगवान वो आत्मा का टाइटल है। दोनों का टाइटल क्या है? अलग है। भगवान मोक्ष में गए, शरीर को यहाँ जला दिया गया, तो जो जलता है वो भगवान नहीं हो सकते। जो नामी है वो भगवान नहीं है, जिसका रूप है वो भगवान नहीं है, जिसका जन्म मरण है भगवान। महावीर स्वामी जले हैं सभी तीर्थंकरों को, हर इंसान। हमारी दादी जी कहते थे कि नहीं, उनकी मतलब वो आत्मा जैसे नहीं थी और उनकी बॉडी नहीं थी, जब वो मरे तो उनकी लाश को जलाया नहीं गया था, वो आत्मा ऐसे बताते हैं कि मैं उनकी जोत में जोत हो गई थी। इसीलिए भगवान महावीर, भगवान भगवान महावीर को जो जहाँ जला गया उसका नाम है पावापुरी। और आज भी पावापुरी के पावापुरी के अंदर उन्होंने जिस जगह से जला दिया गया उसकी वहां समाधि बनाई गई। क्या बनाई है? जिस जगह जला दिया गया तो आज भी है वो। तो फिर अपने कैसे पता चलता है वो मोक्ष में गए? हमको कैसे पता चलता है कि वो मोक्ष में गए? वो केवल ज्ञानी बता सकते हैं। तीर्थंकर तो मोक्ष में जाएंगे, तो तीर्थंकर होता है तीर्थंकर का। तीर्थंकर पद प्राप्त करना जिस वर्ष में, उसका मतलब ये है उसी अवतार में केवल ज्ञान और उसी अवतार में मोक्ष। तीर्थंकर वो लास्ट बर्थ होता है। क्या होता है? केवल ज्ञान का मतलब, और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का मतलब होता है आत्मा का संपूर्ण अनुभव, दुनिया का नहीं। क्या बताया? हाँ, जो अविनाशी नहीं है, जिसमें कि ये बताते हैं कि पूरे सारे भाव जिनको दिख जाते हैं वो केवल ज्ञान ही नहीं, वो उसको, इसको जातीय स्मरण, वो केवल ज्ञान से नीचे का है, वो जातीय स्मरण ज्ञान है, जो पिछला भाव देख सकते हैं। वो अज्ञानी भी हो सकते हैं, उसको केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक प्रकार की ये सिद्धि है, डेवलपमेंट। जातीय स्मरण ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन अपरय ज्ञान, ये सब ज्ञान केवल ज्ञान के नीचे है। ये होता भी है तो केवल ज्ञान हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, मगर केवल ज्ञान हो गया मतलब लास्ट ज्ञान हो गया, अभी उसको जन्म मरण बंद। बाकी सब ज्ञान है, उसमें ज्ञान मिलता है, जैसे अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब ज्ञान कोई भी अवस्था में होता है, फिर भी उसका जन्म मरण होता है, मगर केवल ज्ञान हुआ मतलब वो जन्म मरण नहीं है, वो लास्ट बर्थ है। किसी को भी, चाहे तीर्थंकर, हमको कैसे पता चलेगा? नहीं, वही आम लोगों, वही आम लोगों कैसे पता चलेगा? तीर्थंकर का पता चल सकता है, केवल ज्ञानी का पता नहीं चल सकता है। तीर्थंकर का पता चल सकता है, तीर्थंकर जब भी अपना जन्म होता है तब से उनका सेलिब्रेशन देवी देवता करते हैं, मनुष्य नहीं करते हैं। उनकी माता के गर्भ में आते हैं तभी उनका सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, फ्रॉम गॉड एंड गॉडेसेस। उसका जन्म होता है तभी सेलिब्रेशन होता है, थ्रू बाय गॉड एंड गॉडेसेस। उनको जब दीक्षा लेते हैं तब भी उनका सेलिब्रेशन गॉड एंड गॉडेसेस करती है। आम जनता को देखेंगे उस समय, तो देखेंगे ना, और जितना भी वो प्रवचन करेंगे उसको प्रवचन नहीं बोलते हैं, देशना बोलते हैं। वो देशना का जो प्लेस बताते हैं वो प्लेस का रचना भी देवी देवता करते हैं, इंसान नहीं करते हैं। उनकी रखवाली जो भी कहो ये देवी देवता, एक सपने में देख रहे हैं जो आप, वो एक पोज बता रहे हो कि भाई ये सभी देवी देवता बैठे हैं, भगवान महावीर देवी देवताओं को उपदेश नहीं देते हैं, मनुष्य को दे रहे हैं, मगर ये रचना करते हैं, स्थान जिसको बोलते हैं उनकी रचना देवी देवता करते हैं, उसको मेंटेन भी वो करते हैं।
क्या करते हैं और इसका डिमोलेशन भी वो करते हैं, इसके लिए कहते हैं तीर्थंकर की बात और सबकी बात नहीं है, सिर्फ तीर्थंकर। और तीर्थंकर इस दुनिया में 24 होते हैं, कितने होते हैं, नॉट लेस देन नॉट मोर देन। तो भगवान मौर्य का जन्म हुआ तो सब दिव्य दिशा आए थे, माता के गर्भ में आए तब भी आए थे, तो उनको तो अवधि क्या होता है, सभी देवी देवी जैसे आए थे तो देवी देवता उस समय आते तो लोगों को पब्लिक को भी दिखती है, पब्लिक को दिखती है, इससे लगता है, इससे मालूम पड़ता है कि ऐसा हुआ है। आपको आपको ज्ञान नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, उसकी उनकी कमजोरी नहीं है। जैसे यहाँ राजा आता है आप नहीं पहचान पाते हो तो वो आपकी कमजोरी है, वो राजा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो राजा है, आप नहीं पहचान पाए, क्या बताया, नहीं पहचान पाए। कोई देवी देवता आएंगे तो हमारे जैसे ही लगेंगे, क्या बताया। अभी देवी देवता को पहचानने के लिए हमारे पास दृष्टि चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ इंसान होते हैं, इंसान को भी पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, सिर्फ आंखें जरूरी नहीं है, आंखें से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। उनकी क्वालिटी कैसे नापी जाए, उनकी नीयत कैसे नापी जाए, ये आंखों से समझ में नहीं आता है। तो ये देखने की बात नहीं है, एक्सपीरियंस करने की बात है। कोई भी व्यक्ति को हम पहचानते हैं, क्या देख के पहचान जाते हैं, बस। तो उसके लिए दृष्टि, ये तो स्थूल बात हो गई। जैसे आम इंसान को पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, तो तीर्थंकर को पहचानने के लिए क्या नहीं चाहिए, आप समझे। तो हर व्यक्ति को नहीं मालूम होता है कि ये तीर्थंकर है, मैं कह रहे भव्य पुरुष है, महान पुरुष है, ऐसे लोग समझ जाते हैं, आम लोगों की बात करता हूं, उनकी इनकी विशेषता है। जैसे कोई यहाँ अभी भी आज की बात करूं, आज के दिन आज कलयुग की बात करूं, यहाँ भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत पुण्यशाली है और बहुत ज्ञानी है और जिनके जिनके पास हजारों लाखों लोग आते हैं और जिनके दर्शन करने के लिए लोग तरस रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति होगी, आप समझे, तो आम लोग क्या समझेंगे, ये कोई महान पुरुष है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो नाप पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे। तब अभी भी कलयुग में भी हम नहीं नाप पाते, तीर्थंकर को कैसे नाप पाएंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति तीर्थंकर को तीर्थंकर के रूप में नहीं पहचानते हैं, मगर एक महान व्यक्ति है ऐसे वो पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों की तरह वो उसको फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग इसको तीर्थंकर के रूप में पहचानते हैं, मगर आप देखना चाहे, आपके पास दृष्टि है तो देख सकते हैं। वहां समोवसन की रचना वो भी देवी देवता करते हैं, वहां उनकी हाजिरी होती है, वातावरण क्रिएट करना, ये सब देवी देवता का। सब मुझे यूं लगता है जैसे मन से वो देख सकते हैं, दिमाग में देख सकते हैं ये चीजें, नहीं ये आपको ये अपना एक ये आपको वो है अपने अपन ने हमेशा ये पोस्टर ये पोज देखे हैं, इसलिए अपन जब आक्रमण करें तो वाकई देख सकते हैं ये सब चीजें, ये मैंने देखा है बचपन से। ये आपने जो पोज देखा है वो देख सकते हैं, मगर पोज देखते समय आप वो तीर्थंकर है वो जानने के लिए दृष्टि चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अभी तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत पूछा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया भी है ना, तो अभी आपसे अभी आया, बाकी तो मुझे किसी आदमी से समझ भी आया, लेकिन कुछ समझ अभी तो अभी वो भी जो समझ अभी बनी ना वो सभी तू मुझे अभी बहुत थोड़ा सा लेवल, लेकिन स्वाद हुई समझने की। जैसे आपने बोला देवी का ये क्वेश्चन मैं कहीं पूछा हूँ जवाब आपसे थोड़ा फास्ट होगा।
इतना सा मुझे समझ में आया कि आपने बोला कि वो जब उद्धरण लेते हैं तो देवी देवता उसका करते वेलकम या जो भी कहते हैं आपकी भाषा में या सब कुछ हर बात में मतलब हर बात में उनका संस्कार या कोई देवी देवता करते हैं। पर अब क्वेश्चन ये रह गया देवी देवता, तो देवी देवता का मतलब हमें मतलब जो जो ये फोटो देखते पुरानी तो उसमें देखते ऊपर से देवी देवता दर्पण उड़ा करके ऊपर से फूल वर्षा करते हैं उस रूप में आते हैं या कोई वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में बन गया तो उनको बचाना पड़ता है देवी देवता, ये मतलब कहने वाला एक समझने की स्वाद जरूर हुई है। देवी देवताओं को पहचानने का तरीका बराबर अभी मैं बता रहा हूँ। देवी देवताओं को पहचानने का तरीका, सबसे पहले देवी देवता का जो शरीर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो कोई भी देवी देवताओं को परछाइयां नहीं होती है। ये पहला साइन, साइन समझते ना, साइन उनको पहचानने की साइन के देवी देवताओं को परछाइयां नहीं होती है बिकॉज ऑफ रीजन वो चमत्कार नहीं है बिकॉज द बॉडी इज टोटली ट्रांसपेरेंट, तो प्रकाश डालोगे तो आर पार निकल जाएगा इसीलिए परछाइयां। दूसरा, देवी देवताओं का जो बॉडी है वो वैक्स का बना है, किसका बना है, वैक्स मीण आता है ना मीण उससे बना है मोम, तो उनका मोम जो होता है वो मोम का जो वेट है ये वातावरण से हल्का होता है, क्या होता है, जैसे लकड़ा पानी में क्या करता है तैरता है और पत्थर डूब जाता है, ऐसे जो मोम होता है उनका बॉडी जो वैक्स का वो इस वातावरण से लाइट है, लाइट समझते हैं ना, तो उनका पांव कभी जमीन पे नहीं होगा बिकॉज ऑफ लाइट वेट नॉट बिकॉज ऑफ चमत्कार, ये साइंस है। यहाँ का जो वातावरण उससे जो घनता कम होगी तो हवा में रहेंगे, जैसे पानी में भी तैरता है क्योंकि घनता उसकी कम है, सेम यहाँ है एनवायरमेंट के अंदर उनकी बॉडी की जो घनता है वो कम होने के नाते ये हवा में तैरते ऐसे लगता है, वो तैरते नहीं है ऐसे ही चलते हैं मगर उसके पांव जमीन को टच नहीं करते हैं, मगर ये कोई चमत्कार नहीं, तो ये उनकी साइन है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, देवी देवता अपना शरीर छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्या बताया, छोटा बड़ा कर सकते लेकिन तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, उनका रूप भी बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सर, हर देवी देवताओं ये उनकी स्पेशल क्वालिटी है। मतलब देवता आगे तो ऐसी समझ आ जाएगा तो, क्योंकि पहले बात होगी जमीन पे वाउंड लगेंगे नहीं, परछाई पड़ जाएगी नहीं, उनका उनका रिफ्लेक्शन आएगा नहीं, ये तो मान लो पड़ी गया देवता है, तो ऐसे देवता लोग आते हैं उनके टाइम में भी जो कुछ कुछ खास खास ऐसे मामले हुए होंगे तो उस टाइम ऐसे देवता आए होंगे, तीर्थंकर के लाइफ में ही आते हैं, क्या बताया, तीर्थंकर, और तीर्थंकर सिर्फ सतयुग में होते हैं कलयुग में नहीं होते, तो तीर्थंकर के समय ही आते हैं, तो भी जो कलयुग में होते हैं उनको क्या कहते हैं, आते ही नहीं देवी देवता, नहीं अभी जैसे आपके दादा ज्ञानी बोलते हैं उसको, उनको क्या बोलते हैं, इसको ज्ञानी पुरुष नाम अपन ने दादा भगवान को दे दिया, मगर है कॉमन नाम है ज्ञानी पुरुष, आत्मा ज्ञानी पुरुष इनटू इंडेटेड कोमा विथ एक्सपीरियंस, क्या बताया, विथ एक्सपीरियंस नॉट नॉलेज अनुभव, वो जो बोलेंगे अपने अनुभव से बोलेंगे बाद में किताब बनेगी, और आज जो बोल रहे हैं वो किताब में से बोल रहे हैं अनुभव में से नहीं, तो अपन जब उनका बार बार जप करते हैं उससे अपने को क्या होता है, जब उनका नाम लेके अपन बार बार जप करते हैं अपन चाहे तो मतलब अपन उनको नहीं मान के और भगवान का नाम ऐसे लेके दादा भगवान का नहीं लेके अपन ना भी भगवान का है जो भगवान दादा भगवान शब्द का प्रयोग करो या ना करो आपको आपके अंदर जो आत्मा है उनको ही जानना है पहचानना है और उनको ही निर आवरण करना है,
नाम किसी का भी क्यों ना लो, हमारा एंगल या हमारी सोच या हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए बस, कि हम क्या पाना चाहते हैं, हम राम का नाम दें, कृष्ण का नाम दें या महावीर का नाम दें, नाम देने से पाना क्या चाहते हैं, कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो निरावरण हो जाए बस, दैट इज अवर इंटेंशन। फिर शब्द कोई भी बोले कोई फर्क नहीं होता है, ज्ञान शब्द में नहीं है, ज्ञान दृष्टि में है। अभी जैसे अभी दादा भगवान के लिए कहते हैं कि वो उनको मोक्ष मिल गया, किसने कहा? आपने क्या बोला? भगवान स्वामी को 306 डिग्री यही बोला था, भगवान बोलते नहीं है, भगवान नहीं है, हमने ये बोला दादा, भगवान नहीं है, उनका ज्ञान प्रकाश बाहर आया, प्रकाश जब बाहर आया उस समय वो जो बेंच पे बैठे थे वो कई जन्मों से दादा भगवान को ज्ञान प्रकाश दिखा, क्या बताया उनको, खुद को दिखा, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा दिखा और बाद में सबको वही अनुभव ज्ञान बांटा, उनका जो ज्ञान आवरण था, दर्शन आवरण था, वो खुला हो गया, इसीलिए ब्रह्मांड का सत्य खुला हो गया, जो आवरण से रुका हुआ था, कर्टेन के पीछे था, वो कर्टेन के हिसाब से अपनी आत्मा को पहचान लिया, ऐसा कहना आत्मा कि उन्होंने एकदम अपने को आत्मा को पहचानने का सवाल नहीं है, आत्मा तो उनके निश्चय में था ही कि मैं आत्मा हूँ, मगर दुनिया को पहचानने का ज्ञान खुला हो गया आत्मा के प्रकाश में, कौन से प्रकाश में, प्रकाश तो आत्मा का ही है, अब समझो प्रकाश में दुनिया का ज्ञान जो सनातन सत्य है वो खुला हो गया, उसके बाद उसको मालूम होता है कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, सिद्धांत हर जीवन का सिद्धांत क्या है, ये सब कुछ खुला हो गया, उसका नाम है केवल दर्शन, क्या बताया? तो किसी को इस कलयुग के अंदर केवल ज्ञान किसी को होता ही नहीं है, फिर केवल ज्ञान किसी को नहीं, किसी को नहीं, अपवाद रूप से भी नहीं, नियम से ही नहीं होता है, ऐसा अपन कैसे कह सकते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ इसी पे, ऐसा अपन कैसे कह सकते हैं कि सतयुग में ये चीजें थी, कलयुग में ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे कह सकते? शास्त्रों में तो लिखा है, उसके बावजूद सिद्धांत से भी समझ में आता है कि इस कलयुग के अंदर लोगों की जो क्षमता है शारीरिक या मानसिक वो इतनी स्टेबल नहीं है, हर अवस्था में वो अपने आप को स्थिर रखे अंदर से, इतनी क्षमता नहीं है, शारीरिक भी नहीं है और मानसिक भी नहीं है, आप समझे ना? तो सतयुग के अंदर मन वचन काया तीनों की वननेस होती है, क्या होती है? वननेस, एकता, इसीलिए जो निश्चय करता है वो हो सकता है, अभी तो सोच अलग, स्पीच अलग, एक्शन अलग, पर जो अपन निश्चय करें वो हो सकता है, तो कर्म और कर्म फल का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो गया फिर इसका, मतलब जिस हिसाब से आपने बताया कि कर्म आपके भाव है, कर्म फल है जो आपका एक्शन हो रहा है, तो जो अपन सोचते हैं, जो अपना भाव है उसको अगर अपन एक्शन में ले आए तो अपन अपने कर्म फल को बदल सकते हैं? नहीं, ये उन्होंने भाव नहीं किया, मैंने मन वचन काया की एकता को बताया, इसमें भाव को ऐड नहीं किया मैंने, सोच क्या चीज है, सोच भाव नहीं है, नहीं वो विचार है, मन है, विचार और भाव अलग अलग चीज है, अलग चीज है, विचार कंपलसरी है, भाव कंपलसरी नहीं है, भाव क्रिएशन है और विचार रिजल्ट है, ये सब परिभाषा, ये सब परिभाषा क्योंकि फंडामेंटल नहीं जानते हैं,
यही तो तकलीफ है। एक आपने कल बताया जब ये चीज मेरे दिमाग में आई कि जैसे अब कोई बच्चा है अपन उसको कहते हैं गलत ना, अचानक से उसके हाथ से कुछ ऐसी चीज हो गई, अपने को गुस्सा आया तो अपना एक्शन तो ये है कि संदोह तो ये है कि थप्पड़ मतलब जब चली जानी चाहिए उसके ऊपर, लेकिन अपने मन में एकदम अपने भाव अपन ने ये लाया कि नहीं भाई क्या अगला से कुछ क्या क्या गुस्सा करना, तो वो अपन ने तो भाव कहीं ना कहीं कर्म और कर्म फल का आपस में कनेक्शन हुआ, मैंने अपने हाथ को रोक लिया ऐसा तो कहीं ना कहीं एक्शन का इससे हुआ ना। ऐसा हमको लगता है कि हमारे भाव के आधार से रिएक्शन चेंज हो गया, ऐसा हमको लगता है मगर है नहीं। पर अगर वो आपका तो उसको एक थप्पड़ पड़ जाए हाँ तो नहीं आता तो आया इसका मतलब ही है परिणाम। मैंने कल भी कहा था कि विचार आते हैं मतलब परिणाम, स्पीच संजोगों के आधार से निकलती है मतलब परिणाम, एक्शन संजोग के आधार से होता है मतलब परिणाम। पर यहाँ थोड़ा संजोग को भी चेंज कर दिया ना अपने अंदर कुछ भाव लाके, वो हमको लगता है कि हम चेंज कर सकते हैं मगर नहीं कर सकते हैं। महावीर ऐसा लगता है क्यों नहीं कह सकते अपने अंदर का भाव अच्छा है तो अपन परिणाम को क्यों नहीं बदल सकते। महावीर भी अपने उदय कर्मों को नहीं परिवर्तन कर सके, क्या उसके पास भाव नहीं थे? नहीं होंगे या थे, वो समर्थ है कि नहीं, तो उनका जीवन बाह्य क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो परिवर्तित हो सकती है, कुछ चीजें तो फिक्स है, अपने को पता है ऐसा होना है तो हो ही गई। आप जिस प्रकार से रैंडम आंसर देते हैं यही कलयुग की करामत है, और सिद्धांत में रैंडम नहीं होता है, इफ एंड बट देयर इज नो सिद्धांत, आइदर होता है आइदर नहीं होता है, H2O से पानी होता है, H1O से क्यों नहीं होता है, दैट इज अ रैंडम आंसर। सिद्धांत का मतलब होता है कभी परिवर्तन नहीं होगा, इफ यू बिलीव इट और नॉट। मैं मुसलमान हूँ, मैं कहूंगा मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, फिर भी होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ नेचर, ये मेरी मान्यता क्या ऊपर लॉ ऑफ नेचर काम नहीं करता है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कहता हूँ मैं कर्म सिद्धांत को नहीं मानता हूँ तो कर्म नहीं लगेंगे, लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर का मतलब होता है आपकी मान्यता है या नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते अपने भाव अच्छे लाके मन अच्छा कर सकते हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात है आपके, आपके दिमाग में संबंध है आपस में। मैं वही कहता हूँ कि आपके दिमाग में जो बातें हैं वो क्या है कि जैसे सोचा और वैसे हुआ, तो आपने लगा सोच के आधार से ये हुआ, ऐसा आपकी बिलीफ है, वास्तव में ऐसा नहीं है, हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, और कभी हो गया तो हमको लगते है कि सोचा इसीलिए हुआ, ऐसा नहीं है, और सोचा और नहीं हुआ तो मैंने एक चीज बताई आपको तो इसके आधार पर वाकई ये संजोग ही था उसको थप्पड़ नहीं पड़ना था, 100% में परिवर्तन आया 100%। एक व्यक्ति सौदा करता है पैसा कमाने के लिए, तो फॉर्म उठाया सौदा किया भाई इतना 1000 शेयर ले लो मेरे नाम पे, 2 घंटे के बाद मालूम होता है कि वो मार्केट डाउन हो गया, उन्होंने 1000 शेयर को बेच दिया, 5 लाख रुपया का नुकसान हुआ, सोच के किया। दूसरा व्यक्ति उन्होंने भी ऐसे सौदा किया 15 दिन के बाद कि भाई 1000 शेयर ले लो, 2 दिन में भाव बढ़ गए, उन्होंने बेच दिया, तो सोच के किया। तो संजोगाधीन है या स्वतंत्र है? नहीं तो कौन सी परिस्थिति उनकी स्वतंत्रता में है? मैंने कल भी बिल्कुल बेसिक समझाया था कि जन्म भी आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है, और मन वचन काया से चलता हुआ पूरा जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है, वो कल समझा दिया था। अभी जो कल सिद्धांत से आपको समझा दिया अभी उसके ऊपर क्वेश्चन करते हो, मैंने कल भी कहा था ना कि आपको जितना प्रश्न करना हो वो कर लो, एक बार बाद में उस पर विचार करते हैं ना तो भी अंदर प्रश्न उठता है ना, तो शायद लगता है कि वापस एक बार पूछ लो। इसीलिए मैंने कल भी आप उनके घर पे कहा था ना कि अभी मैंने कहा जो मन वचन काया बात समझ आती है ना, जब अपन उस चीज में वापस विचार करते हैं ना तो अपने को लगता है ये भी बात हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए आप उल्टा ये सोचे कि मैंने इस चीज पे विचार किया,
आपने विचार किया वो अच्छी बात है, मैंने उसके ऊपर सोचा वो अच्छी बात है, मगर जब आप सोचते हैं तो ऐसा सोचो कि उन्होंने जो जो एग्जांपल दिया क्या उसमें हमारी आज की क्वेरी है? एक क्वेश्चन के साथ मैंने जो जो एग्जांपल दिए थे उसमें कोई क्वेरी थी? जिस समय आपने कबूल किया था कि ये आपने सिद्धांत बताए और सिद्धांत के अनुरूप आपने एग्जांपल दिए, तो वो बात हमको सिद्ध हो गई कि अभी मन वचन काया पर और पराधीन है, ऐसा बात हमको एग्जांपल से और सिद्धांत से पक्का हो गया। अभी मेरे मन में जो क्वेरी आती है क्या वो एग्जांपल या सिद्धांत से कुछ अलग लगता है? अब ये तो एकदम अलग ही जैसे सवाल था ना कि मैं यहाँ बैठे ये कर रहे थे तो मुझे मन में ये सवाल आया कि ये क्यों दादा भगवान का वो चीज नहीं, दादा भगवान की बात नहीं है जिनको कि वो बार बार एक मतलब जप टाइप कर रहे हैं, तो मुझे लगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बात सवाल मेरे दिमाग में आपसे आया। तो मैं वो बात की बात नहीं करता हूँ, वो तो आपने नाम की बात बताया, मैं आपको ये कहता हूँ कि हम परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ जो मैंने सिद्धांत समझाया था। ये दादा भगवान का नाम वो सिद्धांत की बात मैंने कल भी नहीं कहा था, कहा था तो मैंने जो कल कहा था उसी सिद्धांत के ऊपर आपका जो सोच के प्रश्न है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आज जो उन्होंने कहा उसके बारे में नहीं कहता हूँ, मिले हैं तो पूछ लो, नहीं मिलते तो शायद नहीं भी पूछते। नहीं नहीं आपने पूछा वो गलती नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि आपकी सोच और आगे बढ़ाओगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। हर प्रश्नों का उत्तर हर प्रश्नों का उत्तर सिद्धांतों के अंदर है। किसके अंदर है? मेरे को तो हमेशा यही लगता है कि मैं जो चाहती हूँ और मैं जो सोचती हूँ वही होता है, सच में ही वही होता है। बराबर ऐसा क्यों होता है वो नहीं पता। नहीं वो बराबर है, ऐसा हर व्यक्ति को लगता है, एक एहसास होता है अंदर का, ऐसे मगर पहले से मन में आ जाता है ये काम होने वाला है और वही होता है। नहीं अब वो क्यों होता है? वो बराबर है, वो आप इस प्रकार के कर्म के उदय लाए हैं तो आपकी सोच और एक्शन सब इक्वल हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो भाव किया वो हुआ है, भाव नहीं किया है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो होने वाला है उसका फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भाव किया इसलिए हुआ, जो होने वाला है वो उसको दिखा तो बताया, वो आज भाव किया उसका फल नहीं है। ऐसे जैसे वो पता चलता तो आपको जो होने वाला है वो आपको दिखा और आपने बताया, मतलब उसका मतलब ये प्रूव नहीं होता है कि आपने आज भाव किया इसलिए हुआ। ये ऐसा तो नहीं लगता, उसमें तो यही लगता है कि हाँ भैया सोचा था मेरे साथ भी होता है कि क्या तो बात ऐसी होती है, ये लगता है परमात्मा की कृपा है, जो मेरे को सब पहले से पता चलता है, मैं सोचती हूँ वो सब हो जाता है। परमात्मा की कृपा कहो या गुरुदेव की कृपा कहो, ये सब श्रद्धा की बात है, हम जो लेके आए हैं वो निकलने वाला है, चाहे हम राजा है चाहे भिखारी है, जो रोल है वो तो निभाना है। तो भले और किसी का नाम हम दे दे श्रद्धा से वो एक अलग बात है, कोई कहते हैं मेरी माता जी है, कोई मेरे के पिताजी है, श्रद्धा से किसी का भी नाम बोल सकते हैं वो अलग बात है, श्रद्धा की बात अलग है। सिद्धांत कल भी मैंने कहा था, तो सिद्धांत ऐसा होता है कि जो जीवन का आपने एग्जाम दिया है उसी प्रकार से आपका जीवन बना रहेगा और यह शरीर आपको उसी के लिए मिला है, ओनली फॉर दिस। वॉट एवर यू क्रिएट इन प्रीवियस पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट यू गॉट इट दिस लाइफ ओनली, नॉट टू क्रिएट न्यू थिंग्स यू आर सफरिंग टुडे, दिस इज नॉट प्रिंसिपल। जन्म से पहले ही आपका पूरा मन वचन काया से चलता हुआ जीवन फिक्स हो गया, इट्स अ फिक्स डिजाइन लाइक अ कैसेट, नाउ यू हैव टू प्ले ओनली प्ले विदाउट योर चॉइस, आपको प्ले करना है बट विदाउट चॉइस, ड्रामा फिक्स है, नाउ यू हैव टू प्ले। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप
आपकी हो गए कठपुतली वाली बात, कठपुतली है नहीं, कठपुतली ही है, वही कह रही हूँ, वही हो गए तो कठपुतली हो गए 100% है, कल भी मैंने कहा था हमारे पास सोचने की स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है और एक्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो कल भी मैंने बताया था। उसका मतलब ये हमारा पूरा जीवन कठपुतली की तरह ही है, उसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। जब अपन अगर घर में ऐसे बैठे होंगे तो भी अपने को जो आना है वो आ जाएगा, अपने को कुछ भी उसमें क्रिएशन जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्रिएशन मतलब एग्जांपल, कुछ भी क्रिए, जैसे मेहनत की जरूरत नहीं है, फिर जो है वो आ ही जाएगा अपने आप। फिर वही बात, मेहनत करूं या ना करूं मेरे हाथ में है कि संजो के हाथ में है, वही हाथ में हो जाएगा। नहीं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, मैंने तो पहले कहा था कि मन वचन का है, तीनों संजो के हाथ में, तो फिर वही उत्तर देना है, नया तो उत्तर नहीं दूंगा। आप कितने भी प्रश्न करोगे, मैं सिद्धांत से कहीं हटने वाला नहीं हूँ। आप सिद्धांत को गोल गोल घुमा के कहोगे, मेरा आंसर कहाँ होगा? सिद्धांत के ऊपर, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? तो हम कुछ कर सकते हैं, वही हमारी अज्ञानता है। पहली सबसे बड़ी अज्ञानता ये है कि ये मन वचन का आया हम है, वो पहली अज्ञानता जो मैंने कल बताया था, और दूसरी अज्ञानता ये है कि मन वचन काया को हम चलाने वाले। ये दो अज्ञानता से संसार बना हुआ है, न हम मन वचन काया है और न हम इसको चलाने वाले। ये शरीर जो मिला है वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप मिला है, हमारी चॉइस नहीं है। क्या बताया? जैसे मैं नर गति के कर्म बाधे है तो नर गति का बॉडी मेरे को चॉइस के मुताबिक नहीं मिलेगा, कर्म फल स्वरूप मिलेगा। अगर मेरा पांचवी कर्म है तो पशु योनि मेरी चॉइस नहीं है, कर्म फल के स्वरूप मेरे को पशु योनि मिलेगा। और हम समझते हम शरीर है और चलाने वाले भी हम है, ये दोनों भ्रांति है। क्या वाकई 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म लेता है? गलत बात, कल बात हो गई, कल आप रात को नहीं आए थे। तो 84 लाख योनि है, योनि का मतलब होता है जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको योनि कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है 7 लाख पृथ्वी काय, अपकाय, वायु काय, तेज काय, वनस्पति काय, इसी प्रकार से 84 लाख योनि है, उसमें कोई शंका नहीं। हर योनि के अंदर एक बार बर्थ लेना कंपल्सरी, देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू पास द लेवल ऑफ एग्जाम ऑफ 1 sense, then after 2 sense, then after 3 sense, then after 4 sense, then after 5 sense. After 5 sense, you transfer in a manushya. You got it the buddhi. क्या मिलता है? उससे पहले बुद्धि नहीं है, उससे पहले संज्ञा है, आहार, भय, मैथुन, निंद्रा, ये 4 प्रकार की संज्ञा से एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय का लाइफ है। मनुष्य में आके इंद्रिय ज्ञान प्लस बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि का मतलब होता है ओनरशिप एंड डूअरशिप। क्या है? और उसी से राग द्वेष बनते हैं, उसी से कसाय बनते हैं, संगना से कसाय नहीं बनते। संगना जीवन जीने के लिए है और मालिकीपन कर्तापन से कसाय होते हैं। आप समझे? क्रोध मान माया लोभ का एक नाम है कसाय। क्रोध मान माया लोभ, ये चारों का एक नाम है कसाय। तो इसी से बनते हैं, इसीलिए मनुष्य में आने के बाद ही कर्म की शुरुआत होती है। क्या होती है? तो ऐसे 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में से कोई भी योनि में आप कर्म के वश जा सकते हैं। 84 लाख योनि में भटकना कंपलसरी नहीं है, मगर कहीं भी जा सकते हैं, कर्म के बस, चॉइस नहीं। क्या बताया? कर्म के बस। और एक बार मनुष्य में आते हैं उसके बाद मैक्सिमम 8 भव के बाद मनुष्य बनना वो कंपलसरी है। क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम नेक्स्ट बर्थ में भी बन सकते हैं,
उसमें 84 लाख योनि घूमना जरूरी नहीं है। वो आपके कर्म के मुताबिक है। अगर आपके कर्म मानवतावादी होंगे तो नेक्स्ट बर्थ मनुष्य का ही होगा। अगर आपका कर्म मानवतावादी के अलावा राक्षसी कर्म है, पाशवी कर्म है या दैवी कर्म है तो पहले उनके भुगतान करनी पड़ेगी और बाद में मानवीय जो कर्म होते हैं मानवता कर्म के मुताबिक आपको मनुष्य भाव उसी कर्म से मिलेगा। अभी भी देवगति में जाते हैं, चाचा नरगति में भी जाते हैं, देवगति में भी जाते हैं, देवगति में जाते हैं, नरगति में तो पता ही जाएंगे, पशु में भी जाएंगे, पशु में जाएंगे। कैसे पता चलता है मुझे तो अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कि कैसे पता चलता है कि अपन देवगति में जाएंगे या ना जाएंगे। जिसका मैं स्टैंडर्ड बताऊं, स्टैंडर्ड जो व्यक्ति के कर्म मोर देन 51% मानवतावादी है, क्या है यानी इसके अंदर मानवता भरी पड़ी है, ट्राई टू हेल्प द अदर पीपल मोर देन 51% तो उसका रिवर्स मनुष्य में होगा। जिसका कर्म पाशवी एनिमलिस्टिक मोर देन 51% होगा वो पशु योनि में जाएगा। जिसका कर्म मोर देन 51% राक्षसी है, क्या है वो नरगति में जाएगा। जिसका मोर देन 51% दैवी कर्म है सुपर ह्यूमन नेचर तो वो देवलोक में जाएगा। अभी ये चारों के एग्जाम्पल दे दो, ये मैंने डेफिनेशन दिया, अभी एग्जाम्पल दे दो। मनुष्य का मतलब होता है मेरे हक का मेरे को मिले, आपके हक का आपको मिले। इट इज टू बी कॉल्ड ह्यूमैनिटी। क्या बताया, मैं आपके हक को छीनू नहीं और आप मेरे हक को नहीं छीनू, उसको कहना ह्यूमैनिटी, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स। अगर किसी को तकलीफ होती है तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प हिम एज पर माई एबिलिटी। तो ये मानवता है, इक्वल राइट, हर व्यक्ति को इक्वल राइट है दुनिया के अंदर। इट इज बी कॉल्ड ह्यूमैनिटी। फिर बाद में दूसरे का हक का मैं ले लूंगा, ऐसी मेरी सोच वो मेरे को एनिमल बनाएगी। दूसरे का हक का लेने की मेरी जो सोच होती है, नियत होती है, वो मेरे को पशु में ले जाएंगे। मेरा हक का मेरे को मिले, आपका हक को आपका मिले, वो मानवता है। फिर मेरे अहम के खातिर मैं पूरे गांव को जला डालू, अहम के खातिर एक व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, ये गांव के एक आदमी ने, मैं पूरा गांव जला दू, या तो गांव के अंदर जो लोग पानी पी रहे उसके तालाब में मैं जहर डाल दू, ये सब राक्षसी कर्म है, उनके लिए नरक गति है। और जो व्यक्ति अपने हक का दूसरे को दे देते हैं वो सुपर ह्यूमन नेचर, वो देवलोक में जाते हैं, अपने हक का भी देते हैं, आप समझे, तो वो सुपर ह्यूमन, ह्यूमन नहीं सुपर ह्यूमन, तो उसके लिए देव गति है। तो ये हमारे कर्म की क्वालिटी के आधार से गति है, कोई व्यक्ति हमको कंपल्सरी लेता नहीं है। बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ अवर कर्म द नेचर विल ट्रांसफर यू फॉर सफरिंग ऑफ योर कर्म। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है कि आपको कहाँ जाना है, कर्म डिसाइड करते हैं। एक क्वेश्चन ये कि इस दुनिया में इतने जीव है, सागर को देखिए, इतने जीव, इतने मौके पर इतने चीजें हैं कि जो इंसान से नहीं जला है, बहुत जितने इंसान है हवा में भी बहुत है, आपके नाक में नाक में बहुत ही है, ऐसे कदम कैसे पॉसिबल है कि आप कहते हैं 8 भाव के बाद भी इंसान तो पक्का बनेगा ही बनेगा, वो सब चीज पॉसिबल होते ही नहीं होते बना। बताओ, एक जंगल के अंदर, एक जंगल छोटे से जंगल में इतने जीव होते हैं जितने की पूरे वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में है इंसान भी नहीं, एक वर्ष में और पहली बार दूसरा ये है कि हर इंसान अपने आपको समझता कि मैं बच्चा हूँ, किसी को नहीं लगता कि मैं मतलब खराब हूँ, अगर उसको मालूम पड़ता है कि मैं अच्छा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो गलत करेगा नहीं, लेकिन वो एक आदमी का कैसे असेसमेंट करे, वो मुझे लगता है मैं भी अच्छा हूँ, तो पहला आपका क्वेश्चन है कि इस दुनिया में इतने सारे जीव है
जैसे आपने पानी के जीव बताए, समंदर के अंदर हवा में भी जीव है असंख्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, पानी में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, बराबर है, तो पत्थर में भी जीव है, पृथ्वी का है जहां से वनस्पति होती है, तो ये सब में जीव है और वो भी अनंत काय है, क्या है, जिसको हम नॉर्मल व्यक्ति उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इतने सारे जीव होते हैं, तो आपका प्रश्न ये, तो फिर ये 8 भाव के बाद मनुष्य में आएगा, ऐसा कैसे प्रूव होता है, बराबर है, ये उनका प्रश्न है, बराबर है, प्रश्न बराबर है, ओके, अभी आगे उतरता हूँ, है, हाँ, तो जीव की उत्पत्ति एक केंद्रीय में से होती है, किसमें से होती है, एक केंद्रीय में से, एक केंद्रीय में से उसको निगोद में से आता है, तभी एक केंद्रीय में आता है, वो एक केंद्रीय के अंदर से वो दो इंद्रिय में जाता है, ये ग्रोथ है, क्या है, डेवलपमेंट, वन सेंस में से टू सेंस में, फिर थ्री सेंस में आता है, फिर फोर सेंस में आता है, फिर फाइव सेंस में आता है, वहां तक उसका डेवलपमेंट नेचुरल है, क्या है, उसको बर्थ काउंट नहीं किया जाता है, 1, 2, 3, 4 ऐसा काउंट नहीं करते हैं, मनुष्य में आने के बाद बर्थ की काउंटिंग होती है, कब होती है, बाद, उससे पहले नेचुरल ग्रोथ है, क्या है, एक सेंस में से दो सेंस में आना वो नेचुरल ग्रोथ है, दो में से तीन में आना, तीन में से चार में, चार में से पांच में आना, ये सब नेचुरल ग्रोथ है, और पांच में से मनुष्य में आते हैं नेचुरल ग्रोथ से, उसके बाद उसको बुद्धि मिलती है, उसके बाद वो अननेचुरल ग्रोथ होता है, क्या होता है, तभी से गति चेंज होती है, वहां तक तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, क्या है, एक इंद्रिय में एक भाव भी हो सकता है, 10 भाव भी हो सकता है, मगर पास हो गए तो टू सेंस में आएगा, टू सेंस में एक भाव भी हो सकता है, 5 भाव भी हो सकता है, पास हो गए थ्री सेंस में आएगा, ऐसे करके फिक्स है, हाँ ऐसा ही होगा, उसमें से एक इंद्रिय में 5 इंद्रिय में नहीं आता है, फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी जीव का डेवलपमेंट इसी प्रोसेस से होता है, एफएसएड नहीं होता है, तो मनुष्य में आने के बाद उसकी गति कहीं भी हो सकती है, उसमें ये नियम लागू होता है, मैक्सिमम मनुष्य भाव में आने के बाद 8 भाव के बाद तो उसको मनुष्य मिलेगा ही मनुष्य भाव, और मिनिमम नेक्स्ट बर्थ में भी मनुष्य बन सकता है, डिपेंड ऑन कर्म, तो मिनिमम मैक्सिमम टोटल मैंने स्केल बता दिया, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, 2 भाव भी हो सकता है, 4 भाव, 6 भाव, 7 भाव, कुछ भी हो सकता है, मगर ये मनुष्य हमें आने के बाद की बात है, अभी वो एकेंद्र जीव की बात नहीं है, आपको समझ, अभी तो वो ग्रोथ में है, कहाँ है, तो उसका भाव काउंट करने, तो ये कह रहे हैं वो सब अभी एकेंद्र केंद्र वो सब जीवों में, इसलिए उसको नहीं, नहीं मनुष्य में आने के बाद ही है, पंचेंद्रिय जीव के लिए भी नहीं है, मनुष्य में आने के बाद जो एनिमल में जाएगा तो काउंट होगा, एनिमल है जो मनुष्य में आ सकते हैं, कोई भी मनुष्य कोई भी पंचेंद्रिय के बाद मनुष्य में आते हैं फर्स्ट टाइम, क्या बताया अभी, मैं 5 इंद्रियों को आपको सिर्फ समझा दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और साइंटिफिक तौर समझाऊंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, लाइफ तक नहीं जाएगा, एक इंद्रिय का मतलब होता है स्किन, क्या बताया, ओनली स्किन, दो इंद्रिय का मतलब होता है स्किन प्लस माउथ, तीन इंद्रिय का मतलब होता है माउथ प्लस नोज, 4 इंद्रिय का मतलब है 3+1, और 5 इंद्रिय का मतलब है 4+1, जिसको कान होता है वो पंचेंद्रिय है ही, ये समझ गए आप, कुत्ता को कान है ना तो पंचेंद्रिय है, नहीं जिंदगी लंबी है छोटी है वो अलग बात है, हम सेंस की बात करते हैं, मारो या नहीं मारो ये तो मरते ही नहीं, सांप को क्या बोलेंगे, तो उसकी सेंस की बात, उनको सेंस कितनी है, नहीं सांप, सांप को नहीं, सांप को कान नहीं होता है,
आंखें आंख है ना, सांप को आंख है कि नहीं? आंख का मतलब क्या हुआ? कान नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं जो आपको बताऊंगा स्टैटिस्टिक डिजाइन वो लाइफ तक आप नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। वंस यू नो द सिस्टम इट इज ऑलरेडी फिक्स इन योर माइंड फॉर होल लाइफ। यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं, ये सिंपल बात है ना। अगर किताब में जाओगे पढ़ने के लिए तो लाइफ तक पढ़ोगे तो भी याद नहीं रहेगा। क्या बताया? क्योंकि वहाँ सिस्टम नहीं है ना, वहाँ थियरी है। क्या है वो? किसी के समझाने का तरीका इतना ऐसा होता है कि वो हमेशा याद रहता लाइफ टाइम। जैसे अभी आपने ये चैट स्क्रीन बताई ना, तो ये तरीका है आपका कि ये बता रहे हैं आप? इस तरीका है वो आप बता सकते हैं, मगर तरीका के अलावा जब कोई भी व्यक्ति को जब पूरा साइंस मालूम हो जाता है तो उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल होता है। जब जो व्यक्ति के पास थियरी है तो उसका प्रेजेंटेशन सिंपल नहीं होता है, बिकॉज दे हैव अ नो एक्सपीरियंस। और साथ साथ में कुछ और भी समझ आता है अपना बताने के लिए, वो कुछ और कुछ कुछ ऐसे बता देते हैं। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे एक मिनट, जैसे एक बार साधु भगवंत ने बोल दिया कि जो लोग हिंसा करते हैं पंचेंद्रिय जीवों की उनका नरक होगा, ठीक है? ये बोल दिया सबके सामने सभा के अंदर, पंचेंद्रिय की हिंसा किया तो आपका नरक होगा। फिर आप प्रश्न करोगे राम ने कई व्यक्तियों को मार दिया, उनका केवल ज्ञान हुआ कि नहीं, मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? उसका उत्तर क्या है? बाद में मिलना, ये आपका उत्तर होगा उनका। समझ में आया? क्योंकि उनके पास सिद्धांत ज्ञान नहीं है, श्रद्धा का ज्ञान है। तो ये जो भी आपने बोला समझ में ही आया। और हमारे पास क्या है? आप टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे कोई भी प्रश्न करो तो उत्तर कैसा आएगा? सिद्धांत का। आप नहीं स्वीकार करोगे तो सिद्धांत से हम बाहर नहीं जाएंगे। आप नहीं समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं सिद्धांत से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। हर ज्ञानी पुरुष, हर मुक्त पुरुष, हर तीर्थंकर उत्तर में सिद्धांत ही बताते हैं, और सिद्धांत समझाने के लिए एग्जाम्पल समझाते हैं। क्या समझाते हैं? वही मेरे भी मेथड है, पहले सिद्धांत बाद में एग्जाम्पल। कल मेरे सहकारी वाला क्वेश्चन आपने ठीक से जवाब दीजिए ना, क्वेश्चन में यही बैठ बैठा कि जीव जीव को खाता है और स्टार्ट उससे होता है, जैमिन से स्टार्ट होता है, जैमिन से होते होते उपास तक अमीन तक पहुंचता है जी, और क्या होता है लास्ट में? तो हम लोग हमारी पीढ़ी के लोग जाए थे सबका अलग अलग डेवलपमेंट है। ठीक है, वो जितना करे तक हम जितना करे हिंसा करे हिंसा हिंसा तो कहने का मतलब ये हिंसा और बुद्धि दोनों का कनेक्शन है। तो ये हो गया, जितनी हिंसा कम इतनी आपकी बुद्धि शार्प रहेगी। सिंपल स्टैटिस्टिक क्या बताया? जितनी हिंसा कम करोगे फिजिकल इतना बुद्धि शार्प रहेगी, और जितनी भाव हिंसा कम करोगे इतने आपने कर्म हल्के रहेंगे। तो भाव हिंसा से कर्म है और स्थूल हिंसा से बुद्धि का संबंध है। ये बिल्कुल सिद्धांत के तौर पे फिट कर सकते, ये गोल गोल बात नहीं समझना नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इतना नहीं बोलूंगा मैक्सिमम, तो क्या हर व्यक्ति आठ अवतार जन्म लेगा ऐसा समझ में? छत्तीस लाख जो पार करते बोला देखो हमारा जो कर्म है
वो कर्म को ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष, वो कर्म को समझ सकते हैं कि कौन से कर्म का कौन सा फल मिलेगा। और केवल ज्ञानी है वो देख सकते हैं कि कौन से कर्म किया है उसका फल क्या मिलेगा। ज्ञानी समझ सकते हैं और केवल ज्ञानी देख सकते हैं, ये दोनों की अलग कैटेगरी। समझ में आ गया? एक समझ सकते हैं, एक देख सकते हैं, ये दोनों की कैटेगरी। अभी हमारी बात है कॉमन व्यक्ति की। कॉमन व्यक्ति कैसा कर्म किया है वो नहीं देख सकते, मगर अंदर जो भाव आता है इसको हम देख के कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्या बताया? कर्म को नहीं मगर भाव को देख सकते हैं। कर्म के बाद भाव बनता है, वो सूक्ष्म होता है। क्या होता है आप समझो? तो भाव जो है वो भाव जिस प्रकार संजोग बना, उस संजोग में मेरा भाव क्या हुआ था वो अभी भी देख सकते हैं, शायद बाद में भी देख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसका प्रायश्चित कर सकते हैं भाव का। आप समझे ना? तो भाव से, तो भाव को हम देख सकते हैं, कर्म बनने के बाद इसको नहीं देख सकते। क्या बताया? भाव को देख सकते हैं, कर्म बनने के बाद नहीं देख सकते, केवल ज्ञान ही देख सकते। लेकिन एक आदमी कैसे कैसे करेगा, उसको कैसे लगेगा कि तो मैं कर रहा हूँ सही है, अच्छा है, सब कुछ है। हर आदमी को सब्जी लगता है, बहुत ज्यादातर इंसान को लगते, जैसे भी हम अभी बता रहे हैं, लोग मंदिर को बनाते हैं, लेकिन वो मंदिर को बनाते हैं लेकिन और तुमको कहीं वो लगता है बहुत अच्छे से काम करे, वो दूसरे को लगता है ये अच्छा काम नहीं करना। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन तो सोच रहे हैं कि अपन अच्छा कर रहे हैं लेकिन दूसरों को वो गलत लगता है, उसको लगता है नहीं यार अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, नहीं है। स्वार्थ तो आपका प्रश्न कहाँ है अभी? जैसे इंसान कैसे जज करेगा खुद के बारे में? पहली बात ये है कि इंसान सही है या गलत है इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान कर्म का फल है। क्या बताएं? इंसान कर्म का, उसके पास कुछ भी अच्छा बुरा सोचने की बोलने की करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो बात ये नहीं आती कि इंसान कैसा है, बात ये आती है कि अभी इंसान जैसा भी है हमारा भाव, हमारी नियत या हमारा इंटेंशन क्या है, दैट इज द बेस्ट थिंग और अवर गुड विशेस। कभी अपना भाव तो सही रहता है लेकिन अगला नहीं समझ पाता, उसको नहीं समझ में आता है कि उनका क्या भाव। अपना तो भाव अच्छा है उसके प्रति लेकिन अगले को नहीं समझ, वो नहीं समझ सके, वो उनकी कमजोरी है ना। अपने हिसाब से अपने को देखना है, हमारा भाव गलत नहीं है तो हम सही है, इनको गलत लगता है तो ये उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। तो जिनकी सोच गलत है उनको भुगतान उनको आएगी। मेरा प्रश्न खड़ा हो गया, इन्होंने जो बोला इसके हिसाब से तो जल्दी यही हो गए, भक्ति यही हो गए, मुस्लिम यही हो गए। तो हर व्यक्ति को ऐसा होता है, हर व्यक्ति को यही लगता है कि हम सही कर रहे हैं। वो इनके अंदर कैसा है वो, मतलब मैं कह रहा हूँ वो सही है। मैंने इसीलिए कहा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मतलब आपका इंटेंशन क्या है वो देख लेना। आपका इंटेंशन सही है, फिर सामने वाला व्यक्ति को आपकी बात पसंद नहीं भी है तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकता है, वो नहीं भी स्वीकार है। कोई कहते हैं कि आपने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, ऐसा पहना, तभी क्या करेंगे? ये हमारी पसंद की है, आपको पसंद नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हम खाना खाने के जाते होटल में तो कोई कहते डोसा खाना है तो बोला मेरे को इडली वाली खाना है, तो नहीं हम जो कहे वो खाए, वो आपकी पसंद है भाई, ये हमारी पसंद है तो उसमें की कंपटीशन थोड़ी है। फिर भी अगर उसको उनकी पसंद अगर हमारी पसंद नहीं बनती है तो उनको दुख होता है, तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये उनकी कमजोरी है। आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम क्यों बनाते हैं? आप अपना विचार किसी के ऊपर ठोक क्यों देते हैं, क्यों ठोक देते हैं? आप कहो कि मेरी सोच मेरे लिए बराबर है मगर दूसरों के ऊपर सौंपेंगे तो ये सही नहीं है। और यही हमारी सोच हमको फिर दूसरे अवतार में गुलाम बनाते हैं। पर बच्चों के ऊपर तो थोड़ा थोपते हैं ना, तो भी तो बच्चे बच्चे के ऊपर थोपते हैं, उस समय हमारी नियत होती है, लगता है नहीं वो कुछ गलत कर रहा है इसलिए हम उनको सही समझा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, वो बराबर है
वो तो नहीं होता है एक तरह से, तो बताओ मैं ये क्या होता है कि जैसे वो उनकी मैच्योरिटी नहीं है तो एज अ पेरेंट्स हमारी फर्ज हो जाती है कि उनको गाइड करें, क्योंकि उनकी सोच अभी लिमिटेड है, विकसित नहीं हुई, तो हमारा फर्ज है कि उनको कई बातें समझाना, उनके विजन से भी बड़ी बात थोड़ी ग्रोड करके, तो ये हमारी फर्ज होती है, कभी उसमें गुस्सा भी करना पड़ता है, मगर हमारा इंटेंशन इसको दुख देना नहीं। तो यहाँ इंटेंशन इम्पोर्टेंट हो गया, क्या हो गया उसमें क्या होता है दो व्यक्ति के अंदर, कि सामने वाला व्यक्ति जो हमको नहीं समझ सकता है उसमें उनकी अज्ञानता है, यहाँ दोनों की मैच्योरिटी है, मगर एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के ऊपर फोर्स करता है कि आप मेरी बात को स्वीकार करो, यह गलती है, यहाँ दोनों का एज डिफरेंस है, यू आर अंडर मैच्योर नहीं यू आर मैच्योर, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to try to guide him, to help him, sometimes you have to force. It is okay, but your intention is unka life acha bane. Aap samjhe? Yahan hum kisi ko dominate nahi karte. Ek hi age ke hote hai to usko dominate bolte hai. Jab bachche aur baap ki baat hai, maa baap ki baat hai to dominate nahi bolte. Unki responsibility bolte hai. Kya bolte hai? To har baat ke andar aap, maine kaha na, har baat ke andar जब आप एग्जैक्टनेस देखोगे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ विजन ब्रॉड बनाना है, क्या बनाना है, कोई क्रिया को बदलना नहीं, वंस आपका विजन ब्रॉड हो गया तो ये सब बातें अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, अगर हमारा विजन छोटा रहा तो ये सब पजल के रूप में हमको डिसॉल्व कर देंगे हम खुद कंफ्यूजन में आ जाएंगे। घर में बैठा नहीं था अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद, अनुभव कहता है ये अनुभव ये कहता है, ज्ञानी पुरुष का अनुभव ये कहता है कि खुद अपनी गलती देखो, क्या बताए, दूसरों की गलती ना देखो, नहीं क्योंकि हमारा अपनी गलती देखो, हमारा इंसान सब अच्छे हो जाएगा, हमारा अभ्यास हो गया, क्या हो गया, अभ्यास को बदलना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। दुनिया में कितने लोग खराब है, दुनिया में कितने लोग गलत हैं, या दुनिया में कितने लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ये इंद्रियां नहीं है, नहीं समझ में आया, हमारी ये सब शक्तियां खुद की गलतियां को निकाल के खुदा बनाना है, खुद की गलतियां को निकाल के खुद को ही खुदा देते हैं स्वामी जी, तो हमें क्या है कि सुख की प्राप्ति अनुभूति होती है, वो रॉन्ग बिलीफ है, उनके अंदर ही मूड निकालना, उनको रोशिक देखना, उनके बारे में बुरी विचार भी आ जाए कभी, तो अंदर से सुधी बहुत दे गया, ये मिथ्या ज्ञान का मनोरंजन है, क्या है, शीत दर की हो तो बिना टैक्स दर की तो बिना टैक्स दर की समझ में तो वैसे तो इसीलिए ये मिथ्या ज्ञान का मनोरंजन है, तो ये भी कर्म लगते हैं ना, लगेगा तो गलती से अंदर वो इधर घूम रहा है, मनोरंजन क्या लगता है, गलती देखना है तो खुद की देखो, वो अच्छी बात है, यही अपग्रेड होने का रास्ता है, दूसरों की गलती देखने से हम डाउनग्रेड होते हैं, ये पांच इंद्रिया इसलिए नहीं दिया है कि कौन कौन गलत है ये देखने के लिए,
हम कहाँ गलत है वो देखने के लिए हमारी इसीलिए तो घूमते रहते हैं। अपनी गलती देख लें, दूसरों ने कुछ भी नहीं देखे तो फिर तो वही तो सिंपल बात है। अब्दुल कलाम है तो हम दोनों को छह इंसान बोलेंगे। आप भी जिंदगी इंडिया में रहते हैं, आप सबको जानते हैं, आपकी नजर में दोनों में कोई बात आपकी दिमाग में आती तो होगी ना, अब्दुल कलाम को ही बोलेंगे। मगर हम ये भी कहेंगे कि दोनों अपने कर्मों के मुताबिक बराबर है। बाय रिलेटिव अप्रोच अब्दुल कलाम अच्छा है और ज्ञान की भाषा में दोनों अपने ही कर्मों के भुगतान कर रहे हैं। अच्छा व्यक्ति भी मैंने कहा नहीं, अंत में हमको न्यूट्रल होना है। मोक्ष में नहीं गए, मुक्ति नहीं मिली, लेकिन आज से थोड़े बहुत अच्छे कर्म करेंगे अभी मनुष्य के भी तो मिलेगा ना, ये ऋषि का कुछ भी हो नहीं जाएगी, उनसे भी ऋषि का कुछ भी आता नहीं हो जाएगा। भाव करना अपने भाव हमें मोक्ष मुक्ति का अपन पहुंचे नहीं कुछ वाली बात, लेकिन मनुष्य जनता भाव रखे अपन नहीं। मैं बोलता हूँ बोल जैसे आपने था कि आप इस बात जवाब नहीं देंगे, फिर आपने दे दिया। दूसरी तरह से मैं आपको कह देता हूँ हम तो इसमें से मोदी को अच्छा बोलेंगे, ये हमारा ओपिनियन है, ये सनातन सत्य नहीं है, तो व्यवहार सत्य है, उसका असर उसका पड़ेगा। मेरा दिमाग ये होता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी का है या चाहे वो कोई भी पद के ऊपर है, मगर आम जनता के लिए जो अच्छा सोच रहा है और करने का प्रयास कर रहा है, करना तो उसके हाथ में नहीं है मगर सोच उसकी अच्छी है और करने का प्रयास कर रहा है, तो इसीलिए वो अच्छे हैं। और जो कुछ भी सोचता है वो कॉन्फिडेंस से करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो भी करना चाहेंगे वो उसमें सफलता मिलेगी, मिलेगी भी नहीं भी मिलेगी, मगर उनका सोच क्या है, ट्राई टू हमारे भारतीय लोगों की उन्नति हो और विश्व में हमारा देश का लोग सर उठा के देखे, सर झुका के नहीं देखे कि हम भारतीय कैसे नहीं देखे, आप समझे। तो ये उनका भाव है, कोई भाव के लिए उनका प्रयास भी है। अभी ऐसा मत समझो कि भी वो भगवान है, ऐसा तो नहीं है। तो हो सकता है कई बातें इंसान अपने छोटी सोच के आधार से नहीं भी समझ सके तो वो फेल भी हो सकती है, कई बात ऐसी होती है कि आम जनता समझ जाती है तो पास भी हो जाती है। तो फल मिलना न मिलना वो उनके हाथ में नहीं है, मगर उनकी जो नियत साफ है आम जनता के लिए, वो खुद करप्टेड व्यक्ति नहीं है, उनके परिवार में कोई करप्टेड व्यक्ति नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री बताती है। इट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली वन इंसिडेंट। तो एज पर हिज कैरेक्टर ही इज अ गुड पर्सन फॉर अवर कंट्री कंपेयर टू द अदर। वैसे मनमोहन सिंह गलत है ऐसा हम नहीं कहना चाहते, मनमोहन सिंह भी अच्छे थे मगर उनके पास पावर नहीं था काम करने का, और इतना पावर भी नहीं था तो कॉन्फिडेंस का तो बात ही नहीं आएंगी, वो कुछ भी करना है तो सोनिया जी को पूछे करेंगे। तो फिर मैं अच्छा हूँ मगर मेरे को जो किसको पूछना है वो अच्छे है या नहीं वो अलग प्रश्न होगा, है तो मेरे को आपसे बता के करना है तो मतलब करना तो मैं हूँ, मगर आप जो कहेंगे वही मेरे को करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा इंटेंशन कैसा भी हो काम में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति खुद अपने बल पे बलबूते पर सत्ता पे आए और जिसका खुद का कमांड है और जो करना चाहते हैं वो बोल के कर भी दिखाते हैं, ऐसी जिनके पास क्षमता है और कोई उसके अंदर बुरी ऐब नहीं है पब्लिक के लिए, आप समझे ना, तो ये आदमी हमारे देश के लिए हमारा सद्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमको
मिला इस पोस्ट के ऊपर बस। तो मैं हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो भगवान है, ऐसा तो नहीं बोलते, बट इज अ पावरफुल मैन। आपके विचार जानना चाहते हैं, आप या उस जॉब से बहुत कुछ बातें वो सुन रहे हैं, इसके साइड साइड जो भी बातें वो सुन रहे हैं उनके अंदर रहने। ये तो ये भी हो सकता है कि ये गुजरात के है और उसके मैनेजर की भी बोल रहे हैं मोदी से, ये आरोप लगा रहा हूँ। अपनी बात सुनिए, पूछो क्या आप बोलिए, आप बोलिए ऐसी बात सुनिए, पूछो आप बोलिए। तो सपोर्ट भी है, है? नहीं, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, आप मोदी जी के सपोर्ट पे। ये तो उन्होंने प्रश्न किया, इसलिए मैंने उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन, इसलिए मैंने कहा पर्सनल तो ओपिनियन हो सकते हैं। एक साधु है जो सबसे अच्छा सोचता है, किसी को गलत नहीं समझता, वो भी तो मन में तो समझता ही है ना कि ये मकार आदमी, ये सदार आदमी है, और ये मतलब बहुत सदार है, कुछ ना कुछ बहुत ही बेकार आदमी है। मतलब तो वो देखो कुछ भी बोलता हो, डिसिप्लिन या चुपचाप रहता हो या अपना बयान नहीं देता हो, अलग बात है, लेकिन मन में तो होता तो बिल्कुल होता नहीं, मन में तो वो भी समझता ही है ये आदमी तो सताना है, ये आदमी बिल्कुल सबसे सबसे घटिया आदमी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो घटिया अच्छा वर्ड नहीं होता, वर्ड नहीं होता, कुछ तो बात बनना तो होती है ना, डिसिप्लिन नहीं होता मन चुपचाप रहते, वो अलग बात है। अब मेरे आगे क्वेश्चन एक और ये है कि जो साधु कहते हैं ना, क्या बात है जी, आप अभी जो प्राइवेट उस बात का प्राइज साधु बोलते हैं ना, साधु है तो साधु के अंदर अपन क्या, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, तरीके से गलत हो और आपको मेरे भावों को और शब्दों को मिलाकर के आप शॉर्ट निकाल के क्वेश्चन को समझना, मैं शब्दों में नहीं बोल सकता क्या। एक साधु के पास में जिन्हें क्या हो, जैसे अभी अपन दूसरा से देखते हैं नामी साधु लोग जो है, जैसे जैसे कुछ कही है मुरारी बाबू वगैरह वगैरह, जिन जिनके नाम बहुत चलते हैं, और एक्चुअली तो कई कई साधु ऐसे जो गुफाओं में बैठे हैं जो इनको लोग जानते भी नहीं और उनसे भी ऊंचे। जैसे कि इस एग्जाम्पल पे देता हूँ कि चार्ली चैपलिन ने अपने जमाने में अपने टाइम में 50-49 खड़ा कर दिया, एकदम सेम जगह बना करके और खुद ही लगा हो गया। वो कहा मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे इतने बॉलर्स हो गए, इतने चार्ली चैपलिन के अंदर दूरी के ड्रामा देखे देखे करते हैं, तो मैं मेरा नंबर कहा था असली चार्ली चैपलिन का, तो उसका नंबर है ना 25 के नीचे आया, जो जो एक्टिंग किया और जो ट्रांसफर किया जो जो कुछ ने किया उसका उसका 25 के नीचे नंबर है, ठीक है। तो वो लोग असली चालीस चैपलिन ही उनसे उसी तरह जिसका इतना नाम है, इसी तरह से किसी ने बोला अमिताभ बच्चन ने बताया कि मेरे तो क्या गुण है, मेरे से ज्यादा कई लोगों के गुण है, मैं इतना पॉपुलर हो गया, इतना कुछ हो गया, मेरी इतने साल की कहानी है, जब मैं किसी सामने आता हूँ और मेरे चेहरे को जानते हैं, मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन हूँ तो मेरे इतना रिस्पेक्ट मेरे वर्ल्ड को मिलता है, लेकिन ये एक इंसान अगर नहीं जानेगा मुझे तो जानते ही नहीं, मेरा चेहरा दिखाई नहीं नहीं देंगे, हो सकता है कि वो एक वो मेरे से इतना प्रभावित नहीं हो। इसके बावजूद खड़े होते तो पूरा बोले बॉम्बे के अंदर नाम का प्रभाव। तो उसी तरह समझा दिया, कोई मेरा क्वेश्चन ये है कि जो साधु लोग कहते हैं, जो इतने नामी साधु हिंदुस्तान में नामी साधु है, वो साधु कोई लेवल तो साधु का लेवल नहीं है, जे उनका नाम भी लोग मानते हैं, तो एक साधु के अंदर तो अभी बहुत ज्यादा बेच चलती है, वो साधु की गुण नहीं है, वो साधु है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो भिन्न साधु के अंदर किसको साधु बोलेगी कि ये साधु की गुण है। साधु के अंदर कोई भी साधु या त्यागी होते साधु या सन्यासी, ये दोनों के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई प्रकार की भीख और भय नहीं होनी चाहिए। भीख और भय नेसेसिटी वो अलग बात है, वो भीख नहीं है, उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने की जगह चाहिए, वो भीख नहीं है, मगर कोई जगह उसकी मालिक के नहीं होनी चाहिए, यानी भीख भी नहीं होना चाहिए और भय भी नहीं होना चाहिए। अगर वो सच्चा सन्यासी है या सच्चा साधु है, क्योंकि सन्यासी और साधु दोनों आत्मा के लिए जीते हैं, जो देह के लिए नहीं जीते, तो इनको भीख और भय क्यों होता है। अगर वो है तो सच्चे जो क्वालिफाइड साधु है उसमें ज्ञानी पुरुष इसको नहीं काउंट करते, भले वो अपनी पुण्य के योग से 1000 मंदिर बना दे तो वो पुण्यशाली कहेंगे, क्वालिटी वाला नहीं कहेंगे। आप समझ में आया, पुण्य अलग चीज होती है, क्वालिटी अलग चीज। जो मैं सोच रहा हूँ जो उसके आसपास आते जाओ, तो भीख नहीं होना चाहिए, भय होना नहीं चाहिए, और भूख लगी है तो मांग के खाओ, ये भीख नहीं है, ये नेसेसिटी है। मगर भीख का मतलब होता है मेरे को बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मेरी नाम नाकीर्ति चाहिए, मैं आऊंगा तो वो ढोल लगाना चाहिए, पटाखा चाहिए, बस। तो ये सब भीख है, ये सब
वीक है। आप करें वो वीक नहीं है, मैं करवाता हूँ वो मेरी वीक है। अगर आपने नहीं किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। आप क्या समझते हो मैं इतनी लंबी जगह चल के आया, आपने मेरा सम्मान नहीं किया, मतलब आपको वीक है। तो आप समझ गए, मैंने आपने जो प्रश्न पूछा ना ये पहले भी मेरे को प्रश्न पत्रकारों ने पूछा था। ये क्वेश्चन जो आपने जो जॉब किया ना वो मेरे मन में इसके आसपास ही जॉब मिलता है, मतलब वो मतलब मिल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ आपने वो दे दिया। अब मैं इसके आगे एक मिनट तो मैं कनाडा में था लास्ट ईयर टोरंटो के अंदर, तो वहाँ पत्रकार ने मेरे को प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आज इस कलयुग के अंदर आप ज्ञानी किसको कहोगे, क्या बताया ऐसा मेरे को प्रश्न किया। ये सब न्यूज़पेपर में आया है, आज भी न्यूज़पेपर है। तो कलयुग ज्ञानी किसको कहेंगे, ये उन्होंने मेरे को प्रश्न किया। मैंने उत्तर दिया इस कलयुग के अंदर जो व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रकार की भीख और भय नहीं है वो कलयुग के ज्ञानी। मैंने ये नहीं कहा शास्त्र का ज्ञान कितना है, तप कितना किया है, शिष्य कितना है, मंदिर कितने है, वो मैंने नहीं कहा। भीख और भय नहीं है वो इस कलयुग के ज्ञानी, उस समय भी मैंने ये कहा था। और मेरी किताब पढ़ोगे तो लगता है जहाँ भीख नहीं होती वहाँ भय भी नहीं होता, दोनों को रिलेटेड है। ऐसा लगता है जहाँ भीख जहाँ मांगेंगे वहाँ थोड़ा भय रहेगा, जहाँ मांगते ही नहीं है वहाँ भय रहेगा ही नहीं। सन्यासी की क्या गुण बोलते हैं आप सन्यासी? अब मैं आपको गुण देता हूँ, कुछ मैं नाम लेता हूँ दूसरा देव जिनको लोग सन्यासी मानते हैं, बोलिए। जो हिंदुस्तान के जो जो लोग जिनके पीछे कई लोग हैं उनके मैं नाम लेता हूँ। असर बाबू का नाम है, आपकी प्रश्न आप अंदर सोचते तो है ना, बोलिए आपने असर बाबू को आप ऐसे क्या मानेंगे सदस्य मानेंगे? ये आपने व्यक्तिगत बात की, तो सिंपल बताता हूँ। मैंने तो पहले ही आपको लेवल बता दिया कि जिसके अंदर भीख और भय नहीं है, क्या बताया वो ज्ञानी है, नंबर एक। नंबर दो, उसके आगे बात करेंगे कि जो लोग पब्लिक के सामने जाते हैं कुछ धर्म प्रवचन करने के लिए, उपदेश देने के लिए, सत्संग करने के लिए जो पब्लिक के सामने जाते हैं, वो कोई भी है, चाहे संसारी भी क्यों ना हो, संसारी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, साधु हो, कोई भी हो या संत भी हो, इसके अंदर ये दो प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम समझते हैं ना, मिनिमम कम से कम। एक लक्ष्मी और विषय, ये दोनों की भीख नहीं होनी चाहिए। विषय ये दोनों की भीख नहीं होनी चाहिए ना, विषय सेक्स ये दोनों की भीख नहीं होनी चाहिए। विषय विषय आप समझे ना, कोई भी पब्लिक स्पीकर की बात करता हूँ, जो पब्लिक के सामने जाता है वो दोनों के अंदर ये प्रकार ये दोनों वीकनेस नहीं होने चाहिए। समझ में आया? अगर दोनों में से एक भी वीकनेस है तो उनकी क्वालिटी सही नहीं है। अगर विषय नहीं है, लक्ष्मी के पुजारी है तो भी गलत है, लक्ष्मी नहीं है विषय है तो भी गलत है। ये दोनों क्वालिटी पब्लिक स्पीकर में नहीं होनी चाहिए, भले ज्ञान थोड़ा कम है तो चलेगा, इट इज नॉट अ बैड थिंग, मगर ये दोनों में से एक भी कमजोरी है इट इज अ बैड थिंग, इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन और फॉर द पब्लिक। जब मैं आपके साथ आता हूँ तो मेरी कोई अपेक्षा आपके साथ है, मतलब मैं खुद भिखारी हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। मेरा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि मैं आपके पास आया हूँ तो मेरे पास जो कुछ भी है वो आपको देने के लिए आया हूँ, कोई अपेक्षा से लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बांटने के लिए आया हूँ, बेचने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये खुमारी अगर प्योर व्यक्ति है तो उसमें होती है, इसीलिए कोई भी बात वो कॉन्फिडेंस से प्लेस करते हैं। अगर मेरे अंदर कोई लालच होती है तो मैं इस प्रकार से बात करूंगा आपसे, तो अपने आप मालूम हो जाएगा कि उनके बोलने में पावर नहीं है बिकॉज ऑफ सम वीकनेस। जब आदमी व्यापार करता है तो अगर वो कोई चीज का बिजनेस कर रहा है, साधु होकर भी अगर वो कोई चीज का बिजनेस करके अपनी कमाई कर रहा है तो उसमें तो बिजनेस। हाँ ये गलत है। आपका आपने त्याग क्यों लिया?
क्या क्यों लिया? वो चीज का आपने अपने अपने धर्म के डेवलप के हिसाब से नहीं, आपने आपने दीक्षा या क्या क्यों लिया? बिल्कुल सही, मरीज छोड़ने के लिए फिर ये आके भाई वही शुरू करना, तो वेस्ट की निंदा होती है ना। अगर आपको बिजनेस करना है तो कर सकते हैं, वेस्ट छोड़ दो ना, बाद में करो, कौन मना करता है? इसको क्यों खराब करते हो? मेरे को अगर शादी करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्यों मना करेंगे मेरे को? मैं कहते हैं कि मैं त्यागी हूँ और कहते हैं शादी भी करना है, ऐसा जो क्यों करते हैं? आप कहो कि मेरे को ये त्याग का मार्ग में छोड़ देता हूँ, शादी करना है, तो क्यों मना नहीं करेंगे? आपका अधिकार है। मगर आप कहेंगे मैं साधु भी रहूंगा और शादी भी करूंगा, तो फिर क्या होगा? आप कहते हैं मैं त्यागी भी हूँ और लक्ष्मी भी इकट्ठी करता हूँ, तो दो बात तो नहीं हो सकती। चाणक्य तो चाणक्य तो वो सोशल रिफॉर्मर थे, समाज उद्धार। संत हो कह सकते हैं उसको, संत कैसे सकते हैं, कहीं हद तक उसको सन्यासी भी कह सकते हैं, हालांकि उनका परिवार था, मगर फिर भी उनका जीवन ऐसा था समाज के लिए, और उसमें उसकी नीयत साफ थी। वो ऐसा स्वार्थी नहीं था कि अपनी बुद्धि के बल के ऊपर वो पैसा इकट्ठा करता था, और जो कुछ भी उन्होंने किया, उनकी बुद्धि, उनकी समझदारी जो भी है, उन्होंने समाज के अच्छाई के लिए उपयोग किया, तो वो इज अ ग्रेट पर्सन, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन इन अवर हिस्ट्री। देखो, हर शब्दों की बात नहीं है, शब्दों के पीछे नियत का इम्पोर्टेंस है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं साधु बन गया हूँ, मेरे को मेडिसिन लेना है, पैसा नहीं है, मैं आपको कहूंगा आप मेरे को दवा लाइए, या तो अगर टाइम नहीं है तो दवा के पैसा दे दीजिए ताकि मैं किसी को भेज दूं दवा ले जाए। तो ये मैंने पैसे का व्यापार नहीं किया है, आप समझे ना, पैसा लिया जरूर मगर व्यापार नहीं किया है, वो एक अलग बात है। और लोगों के लिए, लोगों के पास से मैं अपने जीवन की अच्छी सुविधा के लिए पैसा मांगता रहूं और त्यागी भी कहूं, ये ठीक नहीं। नेसेसिटी, पहले भी मैंने कहा नेसेसिटी अलग चीज है और फैसिलिटी अलग चीज है। ईच एंड एवरी पर्सन, उसको नेसेसिटी चाहिए, क्या बताया, मगर फैसिलिटी मांगे तो फिर वो सही त्यागी नहीं है। वो कहेंगे हम सबको सब सुविधा दे दो, हम तो इतने बड़े बन गए, आम आदमी से बहुत बड़े बन गए, आप हमको बंगला, मोटर, गाड़ी सब कुछ दे दो, चार पांच मेरे को सिक्योरिटी गार्ड दे दो, चार पांच नौकर दे दो, मैं बैल लगाऊं तो चार आदमी हाजिर हो जाए वो दे दो, क्योंकि मैं बड़ा बन गया हूँ। ये सच्चा त्यागी या सन्यासी नहीं, ये भोगी है। क्या है? भले उनका रूप भले त्यागी का है मगर ये भोगी है। त्यागी को या सन्यासी को आत्मा के लिए जीना है, और बाह्य जीवन उसका समाज के लिए होता है, ये शरीर के लिए तो होता है। मोदी को साधु बोल सकते हैं? नहीं, साधु नहीं बोल सकते, सोशल रिफॉर्मर, समाज उद्धार, क्या बोलते हैं उसको, संसार की नीति, वो तो बोल सकते हैं। संसार में वो अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति है, सॉरी, संसार में आम जनता के लिए, कम से कम भारत वर्ष के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ अवर कंट्री टुडे। उनकी कंपैरिजन में आज कोई है नहीं, कोई नहीं है हमारे कंट्री में, नहीं है कोई उनको बीट करने वाला अभी नहीं है, इन फ्यूचर आएगा वो एक अलग। उनकी सोच वेरी छोटी है बेचारा, वो छोटा है, उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, ही इज नॉट पावरफुल। वो शब्द बोलना है वो अलग बात होती है, और काम करना वो अलग बात होती है, अच्छा भाषण करना वो एक अलग बात होती है, और भाषण को प्रूव करना एक अलग बात होती है। मैं आपको हजार बात अच्छी अच्छी बता दूंगा, उसमें से एक भी प्रूव नहीं कर सकूंगा लाइफ में, तो मतलब क्या हुआ? मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, अच्छी बात तो कह दिया, आपको एड्रेस कर दिया, मगर प्रैक्टिकल में तो फिर क्या बात का। तो ये बंदा ऐसा है कि जो बोलता है वो करने का सिंसियरली प्रयास करता है, मतलब सफलता नहीं मिले वो अलग बात है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, प्रयास तो करता है ना। करीब सफली हुआ है आज, उन्होंने करप्शन के लिए क्या क्या कुछ विदेश में नहीं किया है, अभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो मतलब ये उन्होंने किया नहीं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हमके। तो फिर हर व्यक्ति कंट्री के साथ वो ट्रीटी करते हैं,
कि भी हमारे जितने भी इंडियन से उनका जो भी आपके पास वहाँ मकान है, मिलकत है या कैश है, तो इसका इंफॉर्मेशन हमको दो ऐसे, और आपके कंट्री के लोग होंगे तो हम आपको देंगे। तो इतने कंट्री के साथ ट्रीटी करेंगे तो धीरे धीरे तो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, आपने तो कल तो मेज तो बना रहा है ना, विल ट्राई इज लेवल बेस्ट। भाई ऐसा तो नहीं कि फोन किया वो इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। मगर जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए लीगली, नहीं कर्म की भाषा में तो सही बात हो ही रहा है ना, वो तो प्रयास का है, वो तो वो होना ही है, इसलिए हो रहा है। मैं आपको यही तो चीज पूछी उस समय की प्रयास फिर इंसान छोड़ ही देगा जब सब चीज कर्म फल पे डिपेंड रहेगा। मैंने क्या कहा नहीं नहीं, उसके लिए कुछ अपने को करना पड़ेगा, कंट्री से मिला करा तो एक्शन किया ना उन्होंने, मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ सिद्धांत की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये व्यक्ति जो है उनका मत व्यक्तिगत तौर पे आपका क्या है, मत तो आपने बता दिया, बट मैं तो ऐसे कह रही हूँ मत के लिए ही मैंने बताया। बाद में ऊपर ने कहा कि उनका जीवन भी कर्म फल के अधीन है, सबके ऊपर ये कॉमन सेंटेंस लिख देना आपको, कर्म सिद्ध कर्म के फल के अधीन है, जितना बात बताओ उसमें। उसमें प्रयास खत्म हो जाता है कि चालू रहता है, प्रयास खत्म नहीं होता है, चालू रहता है अंदर बाहर नहीं, और आपको बाहर का प्रयास की जरूरत है। मैं कहता हूँ अंदर प्रयास चालू है, तो प्रयास होता है लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं एक्शन में तो देना पड़ता है ना, वही तो बात है ना। हम ये नहीं समझते है, एक मिनट, हम ये नहीं समझते कि एग्जाम देने के बाद हम कुछ एक्शन नहीं कर सकते उस एग्जाम के लिए, भले रिजल्ट 6 महीने के बाद आए। आपने जैसे कल बताया, हाँ, तो एग्जाम दे दिया है, अभी हम क्या प्रयास कर सकते हैं रिजल्ट को बदलने के लिए। मैंने एग्जाम दे दिया, अभी मेरे को मालूम है कि 100 में से 30 मार्क आएंगे, अभी 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ। पैसे खिला दो, माफ कर देंगे, ये थोड़ी लीगल बात है, हम तो नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि आज एग्जाम इस तरह से रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं बता सकते। और मैं जब भी सत्संग करता हूँ तो एक सिद्धांत रखता हूँ हर व्यक्ति के पास, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न करो किसी का नाम लेके मत करो, आप कहोगे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो ये व्यक्ति सही है या गलत है। आप मेरे को पूछोगे बिना नाम तो मैं उत्तर दूंगा, नाम दोगे तो लोग क्या कहेंगे उनके लिए ये ओपिनियन है, ऐसा हो जाएगा कहना। तो बेटर यू आस्क मी क्वेश्चन विदाउट नेम बट द सेम सिचुएशन, नो प्रॉब्लम। अभी कभी क्या होता है, आप बात कर रहा हूं इंटरनेट पर जा रहे हैं, आप जानते हो इस बात को, ये होता है अभी कभी क्या होता है, जो आपन को मालूम होता है मन में कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन कभी कभी कोशिश से बात है, कभी कभी अपन कोई किसी को बात बोलते हैं उसको भी नहीं बताते मैं इसके बाद मान जाऊंगा। हमारे घर में एक सर थे ऐसे रही साहब, पहले तो मेरा आपने इलेक्शन होने वाला और वो अपने वो करीब मतलब अपने वोटिंग करीब 10-12 दिन बाद ही होने वाला, तो मैंने उनको कहा कि अपन सब इंडिया में रहते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, आपको पसंद, उन्होंने कही पसंद पसंद जैसा करा, मैंने कहा तुम भी अपन पर अंदर ही बैठे, मैं तो उनको देना चाहता हूँ, आप किसको बोले मैं भी सुनिए, तो उन्होंने उन्नीस सौ देखा उन्होंने कि मैंने कहा कि आपको ना पब्लिकली अपना राय देनी चाहिए, आपको लोग नहीं मानते हैं ये कारण है, बोले मैं अपनी स्कूल के लिए नहीं करेंगे बात नहीं करता हमारे जैसे व्यक्ति उस समय ऐसा है इस समय ये को अभी सब लोगों को मालूम पड़ जाए ना कि भाई सब लोग इसी में लगे हुए कि वोट मतलब कटने वाले हैं, आधे लोग इसको देंगे आधे लोग इसको देंगे, वोट के बाद होकर के कटने वाले हैं, इससे आपके भूल से क्या होगा, सब लोग वोट देंगे तो जाने वाले चांस हो जाएगा। आपको अपने विचार दे देना चाहिए, मेरे विचार ये है, लेकिन उन्होंने कभी मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन असल इस बात का हुआ जब उन्होंने इसमें दिया तो लास्ट टाइम उन्होंने बोल दिया कि वोट आप उसको दीजिएगा, मेरी ये मेरी पर्सनल राय है और ये मेरी है इस समय यही जरूरत है, ये मेरे को सबने अपने साथ साथ रखते हैं और साथ रखते, तो ऐसा कभी भी हो जाता, वो भी उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं बात मान जाऊंगा, बात मान गए, कम नहीं दावे चलिए आपके साथ में।